कोकणचा निसर्ग नेहमीच जगभराच्या पर्यटकांना नेहमीच आकर्षित करत राहिला आणि जगभरातील पर्यटक कोकणचा निसर्ग अनुभवायला येतात आणि काही महिन्यांपूर्वी केवळ कोकणचा निसर्गच नाही तर कोकणच्या पाण्याखालचं जगही किती अद्भुत आहे याचं दर्शन घडवलं ते हर्षा स्कुबाच्या कौस्तुभ सावंत यांनी आणि सुहास ठाकूर देसाई यांनी आणि ही पाण्याखालची अनोखी दुनिया पाहायला आता जगभरातून पर्यटक रत्नागिरीच्या समुद्रकिनारी येतात आणि आज असेच एक विशेष व्यक्ती आमच्या इथे आले होते. एबीपी न्यूजचे ब्युरो चीफ जितेंद्र दीक्षित आपल्या बरोबर आहेत. जितेंद्रजी, कैसा आपने पानी के नीचे की दुनिया देखी रत्नागिरी की, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो कौस्तुभ आपको अभिनंदन कि आपने यहाँ पर ये फैसिलिटी शुरू की और ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था. समुद्र के भीतर यहाँ पर खास करके रत्नागिरी के इस किनारे पर इतनी रिच, इतनी खूबसूरत मरीन लाइफ है. मैंने आज एक्सप्लोर किया और देखा कि इतनी वैरायटी है यहाँ पर और मेरा मानना है कि अगर इसे और प्रमोट किया जाए यहाँ पर तो जाहिर तौर पर ये पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र ये जगह साबित होगी. और मेरा तो मानना है कि इसे बहुत पहले से ही इस जगह को प्रमोट करना चाहिए था. इतनी खूबसूरती है, इतनी वैरायटी है मरीन लाइफ की, तो पहले ही यहाँ पर इस तरह से स्कूबा डाइविंग की फैसिलिटी शुरू. महाराष्ट्र में ज़्यादा ठिकाने नहीं हैं. इससे पहले हमने देखा कि यहाँ से कुछ ही फासले पर मालवण है, वहाँ पर स्कूबा डाइविंग की फैसिलिटी है. 2013 में मैंने वहाँ पर डाइव किया था, उसके बाद अब 2018 में यहाँ पर डाइव कर रहा हूँ. और